तो इस पॉइंट से जो वाटरफॉल है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन उसके लिए हम लोग को पहले लेना पड़ेगा टिकट, और टिकट का रेट मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर अनुराग, अनुराग यूपी योगी जी कैसे? धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद योगी जी को बना दिया। अरे एकदम, आप लोग भी बीजेपी लाए, भी योगी जी से मिल रहा है, यहाँ के लोगों को चेहरा योगी से मिलेगा, योगी यहीं के थे ना। ये बताइए कितना देर रुक सकते हैं वहाँ पे? 3 घंटा। अच्छा, रात में कब तक जाते हैं? लास्ट रात 5 बजे तक ना, 5 बजे तक बंद। पानी होगा? पानी खाने का मिलेगा वहाँ कुछ? हाँ दुकान है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री। तो हम लोग के टिकट हो गए और हम लोग चलते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर आगे नीर वाटरफॉल पे। खाने पीने का सामान वहाँ पे मिलेगा जैसा यहाँ बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। और हम लोग अभी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है जो ओरिजिनल फॉल स्टार्ट होता है, वहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा हम लोगों को, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। जब आप शिवपुरी से ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर पहले आपको राइट टर्न लेना होगा, वहाँ पे लिखा हुआ नीर वाटरफॉल। तो वहाँ से जब आप राइट टर्न लेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक स्टेशन मिलेगा जहाँ लिखा हुआ कि यहाँ नीर वाटरफॉल जाने के लिए आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। वहाँ से आप टिकट 30 रुपीज़ के लीजिए और ऊपर की तरफ बढ़ जाइए। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ से आपको गाड़ी वहाँ पर खड़ी करनी पड़ेगी और फिर आपको ट्रैकिंग करते हुए वाटरफॉल की तरफ जा। तो हम लोग पहुँच गए हैं नीर वाटरफॉल का जो स्टेशन है, और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आपको दिख रही होंगी, तो खाने पीने का सामान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कैसे हैं? बढ़िया उमदा। आज सुबह से जिम नहीं की, मजा नहीं आ रहा। शानदार, हम लोग बहुत ही ऊंचाई चढ़ के आए हैं, बहुत ही ऊपर से आ रहे हैं। मैं ऊंचाई चढ़ना चढ़ नहीं पा रहे हैं। बता दीजिए कैसे खुलता है। और ये खोलने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। खोलने के लिए बुलाया जा रहा है। और ये हम लोग पहुंच गए हैं वाटरफॉल, जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि हम लोग को ऊपर चढ़ना है और यहाँ से वाटरफॉल का आनंद लेंगे हम लोग। ये आगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसके आगे हम लोग को नहीं जाने दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग तो जा सकते हैं। हम लोग तो जा सकते थे, हम लोग, हमारे अंदर कोई भी ऐसे हीन भावना नहीं है कि हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। राइडर अड्डा सबको सटका देगा भैया। केकड़ा केकड़ा किधर? केकड़ा सिन्हा जी, आप खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे हमारी जो 6 उड़नतस्त्री है यहाँ पे हम लोग खड़ा करते हैं, यहाँ पे इनका स्टेशन बेस स्टेशन है, और फिर ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग को पहाड़ चढ़ना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। एक झरना यहाँ पे है, एक झरना यहाँ पे, झरने की शुरुआत अपने भगवाधारी ठाकुर साहब। और ये हम लोग चढ़ रहे हैं यहाँ से, यह ट्रैकिंग नहीं है, लोगों का शौक था कि ट्रैकिंग भी कर ले, वाटरफॉल भी देख ले, वो भी पूरा हो गया, दोनों शौक पूरा हो रहा है यहाँ पे। ये वाटरफॉल लोग हम लोग तो यहीं से हाँफने लगे हैं, हाँ सुनने लगी यार। तो वाटरफॉल का पहला स्टेज यहाँ पे दिख जाता है, वहाँ नीचे हम लोग की स्कूटी खड़ी है। इधर शूज यार ट्रैकिंग वाले लेने थे, स्लिपरिंग क्रॉक्स हम लोग पहने हैं। इससे बड़ा है भाई। क्या बड़ा है? इससे बड़ा पूल, पूल, इससे बड़ा पूल है ऊपर। ये वाटरफॉल है, पूल नहीं है। हाँ लेकिन यहीं से वापस चले गए थे, ऊपर जाने का हिम्मत नहीं। ठीक ठाक हाइट है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे है चढ़ाई। सो दिस इज नीर वाटरफॉल। तो आराम से आप यहाँ पे बात ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ये पूरा का पूरा जो है वाटरफॉल नीचे जा रहा है, मतलब जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ तक ये जा रहा है। यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, मैगी, बेसिक सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये
काफ़ी हाइट से ये पानी आ रहा है वाटरफॉल से, आपको वहाँ से दिख रहा होगा। और ये बहुत ही खूबसूरत एक पॉन्ड जैसा बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आप बात ले सकते हैं। और यहाँ से नीचे जाने पे आपको ये बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा, नज़ारा देखने को मिलेगा। और जस्ट यहाँ यहाँ से आप इसके ऊपर चले जाएंगे तो जो मेन वाटरफॉल है वो आपको दिखाई देगा। वहाँ पे भीड़ कम होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, मैक्सिमम लोग जो होते हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। पहली बार जब हम लोग ऊपर की तरफ आ रहे थे तो हम लोग को लगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो जगह है, यही अपना मेन वाटरफॉल है। और इस वाटरफॉल को देखने के बाद अपने को याद आ गया था पोखरा में नेपाल में जो डेविस वाटरफॉल है, कुछ ऐसा वहाँ पे बना हुआ है, ऐसे ब्रिज जैसा बना हुआ और नीचे से पानी क्रॉस करते, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो पहला पोजिशन ये आपको मिलेगा, पहला लेवल जहाँ पर आपको वाटरफॉल की अच्छी सी फीलिंग आएगी, आप नहा सकते हैं। यहाँ पर पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसके बाद सेकेंड लेवल जहाँ अभी ऊपर से हम आ रहे हैं, और उसके बाद थर्ड लेवल, वहाँ भी नहाने को आपको मिलेगा, वहाँ पे भीड़ भाड़ कम होगी, कम लोग जाते हैं वहाँ पे। यहाँ से नीलकंठ है 18 किलोमीटर बस। और रात में कब तक? चलो बढ़िया। अभी बात के क्यों रखे इसको, क्या धंधा नहीं चल रहा है क्या? भाई पिछले 2 घंटे में 2.5 करोड़ का माल बेच चुका है, अब आगे कल आएगा माल, 5-6 करोड़ का माल आएगा भाई, तब बेचेगा। भाई जा रहे हैं माल बेच के सफाई भाई। हम लोग जा रहे हैं परमार्थ निकेतन, जहाँ 6:30 पे 6:30 बजे होती है गंगा आरती, वो देखना है। तो इधर चल रही है पेड़ की कटाई, तो इसकी वजह से समय समय पे रास्ते बंद कर दे रहे हैं। तो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है राम झूला, इसके पहले था लक्ष्मण झूला। वहाँ से हम लोग स्कूटी से चलते चलते आए परमार्थ निकेतन ढूंढते हुए, तो हम लोग पहुँच आए राम झूले पे। यहाँ आगे परमार्थ निकेतन है, आश्रम है, जहाँ की गंगा आरती बहुत फेमस है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ गंगा आरती देखते हैं। उसका टाइम है 6:30 बजे। अब हम लोग सफ़र कर रहे हैं जानकी झूले का। तो ये 3 ब्रिज, जानकी झूला, राम झूला और लक्ष्मण झूला के नाम से फेमस है। ये तीनों ब्रिज गंगा रिवर के ऊपर है। नीलकंठ के तरफ से हम लोग राम झूला क्रॉस करके आ गए हैं मेन रोड के साइड में, दूसरी साइड में। और यहाँ मार्केट जबरदस्त है, काफ़ी भीड़ है, रोड साइड में बहुत सारे शॉप्स हैं देखने को मिल रहे हैं। तो कल क्या रात में हम लोग जब वापस जा रहे थे, सभी लोग क्या थे, कैपरी में और हाफ टी शर्ट में थे। तो रात में 10 बजे के आसपास ऋषिकेश से हम लोग वापस शिवपुरी जा रहे थे, तो काफ़ी ठंडी लग रही थी, काफ़ी चिलिंग थी। तो इसके और दिन में काफ़ी गर्मी है, दिन में तो आप हाफ में ही सही है, मतलब तो हाफ पैंट हाफ शर्ट में ही या हाफ टी शर्ट में ही सही है, लेकिन रात में आपको एक हल्का सा ऊपर से कवर करने के लिए चाहिए। तो उसकी वजह से आज हम लोग आए हैं हल्का सा चीटर लेने के लिए, ताकि आज रात में वो प्रॉब्लम ना हो कल वाले। अब हम लोग सफ़र कर रहे हैं जानकी झूले का। तो ये 3 ब्रिज, जानकी झूला, राम झूला और लक्ष्मण झूला के नाम से फेमस है। ये तीनों ब्रिज गंगा रिवर के ऊपर है। इस पे वैसे मतलब बाइक्स अलाउड नहीं है, पैदल चलने के लिए है, लेकिन चलता है, अगर छोटी मोटी बाइक है तो आप लेके जा सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगता है, और इस पर जब आप चलते हैं तो ये ब्रिज थोड़ा थोड़ा जो है वो हिलता है, तो एक एडवेंचर सा फीलिंग भी आता है। और ये क्योंकि एक होलिस्टिक प्लेस है, पवित्र स्थान है, तो यहाँ पे एक मन में आस्था भी रहती है भगवान के प्रति, तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत लगता है। और जैसे आप इस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरे साइड आप पहुँचते हैं,
मतलब कि परमार्थ निकेतन के साइड आप पहुंचते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर सी एक पेंटिंग देखने को मिलती है, भगवान हनुमान जो जिसमें बने होते हैं उसके नीचे से एक ब्रिज जैसा बना होता है जिसको क्रॉस करके एक साधु का फोटो देखने को मिलेगा और वहां से फिर एक आपको चौराहा मिलेगा। Oh,